बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। भाजपा मोदी और योगी सरकार भले ही समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े कमजोर व्यक्ति को न्याय सुविधा मुहैया कराने का दावा करती हो, लेकिन कमजोर समाज का आज भी शोषण धनाढ्य वर्ग करता दिखाई देता है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इसका जीता जागता प्रमाण बच्चुमल एंड सन्स के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी राजेंद्र कुमार वर्मा बना हुआ है। राजेंद्र कुमार वर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी से कर न्याय की गुहार लगाई। सर, अपने आपके शहर की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित शॉप है बच्चुमल एंड सन्स सदर बाजार, जिसपे मैं पिछले सन 2000 से कार्य कर रहा हूँ कंटिन्यू, और मेरी अच्छी प्रतिभा को देखते हुए सेठ जी ने मुझसे बोला कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काउंटर हमारे यहाँ डाल लीजिए, आपके भी बच्चे पलते रहेंगे, मुझे कुछ कमीशन दे देना। मैंने ठीक है, और सेठ जी जब तक जीएसटी नहीं लगी थी तब तक तो काम सब सही चल रहा था। जीएसटी आने के बाद सेठ जी ने देखा कि काम अच्छा चल रहा है, उन्होंने मुझसे सारा माल परचेज कर लिया और उसको ये उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं आपको पेमेंट सही समय पर देता रहूंगा। उन्होंने 2-4 महीने तो सही पेमेंट दी, लेकिन 2-4 महीने के बाद जब मैंने उनसे पेमेंट मांगने का जिक्र किया तो वो मुझसे लेतलाली करने लगे, उनका व्यवहार में चेंज आने लगा। एक दिन मैंने उनसे अपने 5000 रुपये एडवांस मांगने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ गाली गलौज देते हुए भगा दिया कि से कोई तेरा हिसाब हिसाब नहीं बनता ना, मुझे तुझसे काम कराना, यहाँ से चला जा तू। सर, ये करीब 12.5 लाख रुपये उन्होंने मेरा माल हड़पा हुआ है और मेरी न किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं कर रहे हैं वो। सर, मेरे को मेरा हिसाब मिल जाए, जो मेरा मुकम्मल हिसाब मिलता है, और मेरा 12.5 लाख रुपये का तो माल फंसा हुआ, बाकी जो साल भर से मैं घर पे फालतू बैठा हुआ हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो मानसिक प्रताड़ना से चल रहे हैं, समय दोनों की सर सीनियर, दोनों की बोर्ड क्लासेस हैं, एक बेटा है जिसकी 12th है और बेटी है 10th है, पूरा परिवार इस परेशानी की वजह से मानसिक अवस्थाओं का शिकार हो गया है और बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। दोनों बच्चों की दिवाली, बिना बच्चों की और घर परिवार की दिवाली भी सर दुनिया दिवाली मना रही है, हमारे घर में दिए भी नहीं जले हैं। एडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी ने शिकायती पत्र लेकर जांच करवाकर न्याय का आश्वासन दिया, साथ ही नियमानुसार बच्चुमल एंड सन्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। ये सन्स है, उसके खिलाफ एक राजेंद्र प्रसाद ने एप्लीकेशन दी कि उनको बिना किसी नोटिस के कारण ही जो उसको निकाल दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से हमने बात से अवगत कराया है, अभी इस एप्लीकेशन को जो है संबंधित थाने को कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि न्याय संगत क्या है, उनका दूसरे का पक्ष जो पता चलेगा तभी तो पता लग पाएगा कि इसमें क्या न्याय संगत है। जांच कर जो विधि कार्रवाई हो इसमें कराई जाएगी। न जाने कितने ही कर्मचारी और मजदूरों का शोषण निजी कंपनियां कर रही हैं और कर्मचारी विभाग और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है। देखने वाली बात ये होगी कि शिकायत में क्या कार्रवाई प्रशासन करता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।